नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। मूंगफली अधिकतर लोगों को काफी पसंद होती है। सर्दियों में अधिकतर लोग इसका सेवन करते हैं। मूंगफली में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर आदि पाए जाते हैं। मूंगफली खाने से शरीर को ऊर्जा मिलने के साथ शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। अधिकतर लोग मूंगफली को कभी भी खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूंगफली खाने के जितने फायदे हैं उसके कई नुकसान भी हैं। मूंगफली खाने से उन लोगों को बचना चाहिए जिन लोगों को वजन बढ़ने की टेंशन रहती है, साथ ही जिन लोगों को एलर्जी है उन लोगों को भी मूंगफली खाने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं कि किन लोगों को मूंगफली बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लिवर रोग, अगर आपको लिवर से संबंधित कोई भी परेशानी है तो ऐसे लोगों को मूंगफली खाने से बचना चाहिए। मूंगफली खाने से शरीर में एफ्लाटॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है जिस कारण लिवर को नुकसान हो सकता है। ऐसे में जिन लोगों को लिवर की समस्याएं हैं मूंगफली नहीं खानी चाहिए। वजन तेजी से बढ़ता है, नियमित मूंगफली के सेवन से वजन तेजी से बढ़ता है। मूंगफली में हाई कैलोरी होती है जिस कारण वजन तेजी से बढ़ता है। वजन तेजी से बढ़ने के कारण शरीर में कई तरह की बीमारियां लगने का खतरा बना रहता है। ऐसे में अगर आप बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं तो मूंगफली खाने से परहेज करें। एलर्जी संबंधी परेशानी, मूंगफली खाने से एलर्जी संबंधी परेशानी बढ़ सकती है। इसके खाने से शरीर पर सूजन, लालिमा, खुजली और लाल चकत्ते हो सकते हैं। मूंगफली की तासीर बेहद गर्म होती है, ऐसे में ज्यादा मात्रा में इसके सेवन से परेशानी और भी बढ़ सकती है। अगर आपको एलर्जी की परेशानी है तो डॉक्टर से पूछकर ही इसका सेवन करें। एसिडिटी, जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या होती है उन लोगों को मूंगफली खाने से बचना चाहिए। मूंगफली खाने से कब्ज, एसिडिटी, अपच और गैस आदि समस्याएं बढ़ सकती है। इसके सेवन से पाचन तंत्र खराब हो सकता है। ऐसे में जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्या होती है उन्हें मूंगफली खाने से बचना चाहिए। बढ़ जाती है सोडियम की मात्रा। कई मूंगफली में स्वाद बढ़ाने के लिए नमक के साथ कई तरह के मसालों का उपयोग किया जाता है जिस कारण शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ सकती है। शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ने से रक्तचाप और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा और भी बढ़ जाता है। मूंगफली फायदेमंद होने के साथ नुकसानदायक भी हो सकती है। ऐसे में इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें। अगर आपको बीमारी है तो डॉक्टर से पूछकर ही इसका सेवन शुरू करें। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।